नमस्कार दोस्तों, आपके सामने दिखाई दे रहा है गुजरात यूनिवर्सिटी का एक नया नोटिफिकेशन। ये आया हुआ है आज ही और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसको मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपको सीधा बता देता हूँ कि जो जिसका भी एग्ज़ाम अभी आने वाला है, सेमेस्टर वन हो टू बी कॉम, कोई भी एग्जामिनेशन हो, आप अगर गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उनके लिए ही ये वीडियो है। ये है गुड न्यूज़ फॉर यू कि आप अपना एप्लीकेशन जो आपने लगाया हुआ है अभी एग्ज़ाम के लिए, आप चेंज कर सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर। और एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ मिल सकते हैं नए एग्जामिनेशन सेंटर और क्या हो सकती है उसकी प्रोसेस, हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। नंबर वन, गुजरात सरकार के द्वारा जो लगाए गए थे रूल्स, उसके ऊपर से गुजरात यूनिवर्सिटी में बहुत ही बढ़िया जो से स्टेप लिया हुआ है। ये है 46 सेंटर जहाँ पे आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हो। यानी कि अभी तक जो सिर्फ अहमदाबाद में एग्जाम दे सकते थे, वो अभी ये पूरे 46 जगह पे दे सकते हैं। आप कहाँ पे रहते हैं वहाँ का एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिए। यानी अगर मैं मोरबी में रहता हूँ, मेरी एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन अगर मेरी एग्ज़ाम होती तो मैं मोरबी में अपने घर के पास ही कहीं पे भी एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेता। इसके लिए आपको क्या करना है, और पहले मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ 14th 6 यानी कि 14th जून तक ही ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ये फैसिलिटीज़ अब कैसे ले, आपको जाना है गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। गुजरात यूनिवर्सिटी भी लिखोगे आप तो वहाँ पे आ जाएगा गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ये रही। इसके बाद जाना है आपको एग्जामिनेशन पे, क्लिक करोगे तब यहाँ पे दिखाई देगा चॉइस फॉर द एग्जाम सेंटर COVID-19। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये मेनू दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट टाइम ये वाला चॉइस आप फर्स्ट टाइम ही कर रहे होगे। यहाँ पे आपको डालना है कोर्स, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, रेगुलर वाले को रेगुलर, ओल्ड कोर्स वाले को ओल्ड कोर्स, और एक्सटर्नल वाले को एक्सटर्नल। कॉलेज, ये कॉलेज डालनी, आप कहाँ पे पढ़ रहे हो वो वाली कॉलेज यहाँ पे डालनी है। याद रखिएगा, आप कहाँ पे पढ़ रहे हो वो वाली कॉलेज, यानी कि आपने अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आप किस कॉलेज में बीकॉम कर रहे हो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे डालना है। एनरोलमेंट नंबर आपके पास होगा, आपके ईमेल में आया होगा एनरोलमेंट नंबर, ये अराउंड 10 या 12 मतलब नंबर का होता है। आपने जब भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होगा तब आपको ईमेल में, आपके वेरीफाइड ईमेल में या फिर वेरीफाइड मोबाइल नंबर पर ये एनरोलमेंट नंबर आया होगा। उस एनरोलमेंट नंबर को आपने अगर यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद आपको डालना है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद ये जो OTP है वो OTP आपको लिखना है। OTP लिखने के बाद आपको जब यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे तब आपको आएगा OTP वेरीफिकेशन, आपको अपने फ़ोन नंबर पर OTP आएगा, और जो OTP आएगा उसको आप वहाँ पे डाल के सबमिट करोगे तो आगे आपको मिलेगा कि आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ डालना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और एक और बात, इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट प्रूफ चाहिए, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड की आपको स्कैन करके उस कॉपी को अपलोड करना पड़ेगा, फिर आप अपना सेंटर चेंज कर सकते हो। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ गुजरात यूनिवर्सिटी का, ये तो सिर्फ आपके लिए एक अपडेट आई, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास कोई डिटेल्स भी है नहीं, लेकिन हाँ, जिन्होंने जो किया हुआ है इट इज़ वर्किंग। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, ये वर्किंग है और ये सही भी है, आप देख सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हो। और अपने नज़दीकी, घर से नज़दीकी जगह पर एग्ज़ाम दीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी में आपके लिए बढ़िया मौका दिया हुआ है। स्टे सेफ, घर पर रहिए, पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। जय हिंद।